ओह शिट, ये कैसे पॉसिबल है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? यार काजल, वो ब्लैक कलर की टी-शर्ट तुमने देखी है कि कहाँ रखी हुई है? वो मिलने दी है यार, मैं भूल गया हूँ उसको कहाँ रखी हुई है। अलमारी में होगी शायद, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। थैंक गॉड इन्होंने कुछ सुना नहीं, बट मैं प्रेग्नेंट हुई कैसे? तो 4 महीने से यहाँ पे थे भी नहीं, अब मैं क्या जवाब दूंगी? Congratulations ma'am, you are pregnant. ये सब तो मुझे भी पता है मैम, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रेग्नेंट हो कैसे सकती हूँ। Are you okay ma'am? आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है मैम, मैं अपने हस्बैंड से 4 महीने से मिली ही नहीं हूँ, वो 4 महीने से अब्रॉड है, तो फिर मैं प्रेग्नेंट हो कैसे सकती हूँ? मैम आप ये क्या बोल रही हैं? अगर आप अपने पति के साथ नहीं थी तो फिर आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? मैम अब आपने मेरा इलाज करना है, मैं अब आपसे क्या ही छुपाऊँ? एक्चुअली बाहर मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मेरा उससे अफेयर चल रहा है, तो शायद उससे ये गलती हो गई होगी, और अगर उन्हें ये पता लग गया ना वो मुझे डिवोर्स ही दे देंगे। मैम वो बाहर अब्रॉड में जॉब करते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, और वो हर महीने मुझे बहुत अच्छे पैसे भेजते हैं, और उसी वजह से मेरी लाइफ इतनी फाइनेंशियली स्टेबल है, और फिर सब खराब हो जाएगा, पर मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, तो मैम आप प्लीज़ मेरा अबॉर्शन कर दो। मैम आपका दिमाग सही है? आप पता है क्या बोल रही हैं? बच्चा अबॉर्ट कराना एक इलीगल काम है, और ये काम हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता है। पर मैम जब मैं अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवा रही हूँ तो उसमें आपको किस बात का एतराज़ है? मैम ये सब आपका पर्सनल मैटर है, अब इसको आप कैसे हैंडल करेंगी वो आपका लुकआउट है। अब आपके हस्बैंड को आपके अफेयर के बारे में नहीं पता है तो आपके अपना बच्चा अबॉर्ट करा देंगी? मैम मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते, पर मुझे भी तो मेरी लाइफ जीने का हक है ना। सॉरी पर मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ मैम मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, पर अब इस गलती को सुधार भी तो सकते हैं ना, और इसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। मैं वहाँ अब्रॉड गया था पैसे कमाने के लिए, जिससे तुम्हारी और मेरी लाइफ सेटल हो पाए, और तुम मेरे यहाँ ना होने का फायदा उठाकर ये गलत काम करती हो, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। मैंने सोचा था अब्रॉड में 2-4 साल रहकर मैं अच्छे पैसे कमा लूंगा, जिससे तुम्हारी और मेरी लाइफ लग्जरियस रहेगी, हम अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे हम, और तुम मेरे पीठ पीछे ये करती हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी। संजीव तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? जब तुम डॉक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर रही थी ना, मैं सारी बातें सुन रहा था तुम्हारी। हेलो पूनम क्लिनिक से बोल रहे हो? वो एक्चुअली आज डॉक्टर अवेलेबल है क्या? एक्चुअली ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ टेस्ट कराने थे। अच्छा 2 बजे? ठीक है मैम मैं पहुँच जाऊँगी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी कहिए। आप ही डॉक्टर पूनम है? जी मेरा नाम संजीव है, और काजल के नाम की एक अपॉइंटमेंट होगी आपके पास में। जी तो प्रेगनेंसी को लेकर वो अपॉइंटमेंट है जी, और वो मेरी वाइफ है, और मैं पिछले 4 महीने से अब्रॉड में हूँ, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? क्या मैडम मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वो भी आती होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुई है, आप मुझे अपने क्लिनिक में कहीं छुपा दो प्लीज़ मैडम, आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ मैं प्लीज़। पर ऐसे कैसे? मैम ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, इसमें सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो, नहीं तो पूरी ज़िंदगी में धोखे में रहूँगा मैम, प्लीज़ मैम। ठीक है लगता है वो आ गई है, तो आप वहाँ पीछे छुप जाइए। ठीक है थैंक यू सो मच मैम। ये सब जानने के बाद ना मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रह सकता, तू रहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मैं चला अब्रॉड, मैं वहीं जाके सेटल हो जाऊंगा। संजीव संजीव प्लीज रुको, मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रॉमिस। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। काजल मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ शादी करके। संजीव